Hey guys, welcome to you all on your favorite physics channel, Being Physics. This is Prakash Mishra. Welcome you again on this channel to introduce this important videos for 10th class, Human Eye and Colorful World. आज ना हम लोग बात करने वाले हैं part 1, 10th class के part 1, Human Eye and Colorful World वाले videos में. और इसमें हम eye और eyes के अंदर जितने defect होते हैं, उन सारे defects की बात करेंगे. तो देखिए ये जो है ना दोनों बोर्ड में चैप्टर्स होते हैं आईसीएससी हो या सीबीएसई हो तो ये कुछ स्टूडेंट्स की विशेष डिमांड भी थी कि सर ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है और इस पे आप वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग को आई और डिफेक्ट्स ऑफ आई समझने में काफी डिफिकल्टीज हो रही है तो उसे हम क्लियर कर पाए तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. आप अगर इसे पूरी तरह देखते हैं पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको आई और आई में होने वाले डिफेक्ट्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा. साथ ही सारे डिफेक्ट्स को कैसे लिखना है उनके करेक्शन उनके कॉज ये सारी कुछ मैं इसमें बताने जा रहा हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. देखो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले मैंने आपके लिए एक आई कंस्ट्रक्ट करके रखा है एक आई बनाया है. आई के पार्ट्स को याद करने का ना मोटा मोटा जो आई में पार्ट्स होता है उसको याद करने का एक मैंने ट्रिक बनाया है. ठीक है तो उस ट्रिक की बात करते हैं. पहले आपको लिख के एक वर्ड याद करना है सी आई पी किप एच अ सी एम एल वी आर और एन. ये एक वर्ड है. क्या वर्ड है ये किप अ सी एम एल वी आर एन. ठीक है भाई तो इसको आप लिख लो सी आई पी ए एच सी एम एल वी आर और एन. लिख लिया आपने. अब सबसे पहला वर्ड क्या है सी. सी का मतलब क्या होता है कॉर्निया. कॉर्निया ये पहला वर्ड है आपका कॉर्निया. कॉर्निया का मतलब द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया. ये जो है ना ये है आपका कॉर्निया. आंख का सबसे जो फर्स्ट लेयर होता है ना सबसे ऊपर का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया. क्लियर है द फर्स्ट लेयर ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया. ये है आपका कॉर्निया. जो सेकेंड लेयर है वो है आपका इरिस. ये है आइरिस. ये आपका आइरिस. आइरिस क्या होता है द मस्क्यूलर डाइफॉर्म जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस. ये आपका मस्क्यूलर डाइफॉर्म जस्ट बिहाइंड कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस. उसके बाद बारी आती है पिपिल की. पिपिल क्या है एक स्मॉल ओपनिंग है. ये जो आप देख रहे हो ना क्या है ये स्मॉल ओपनिंग जिससे लाइट एंटर करता है ना इससे लाइट आंख में हमारे एंटर करता है. तो जिससे हमारे आंख के अंदर लाइट एंटर करता है जिस होल से उस होल को हम लोग क्या कहते हैं पिपिल कहते हैं. ये है पिपिल आपका. क्लियर है. इसके बाद आती है आंख के अंदर लुब्रिकेंट और वो लुब्रिकेंट होता है एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर तो एक्वस ह्यूमर एक ऐसा लुब्रिकेंट है. हमारी जो आईज होती है काफी सेंसिटिव है तो आई के अंदर एक लुब्रिकेंट पाया जाता है जो कि आईज के फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करती है और उस लुब्रिकेंट को हम क्या कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं. क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सिलियरली मसल्स. सिलियरली मसल्स क्या होता है जी. सिलियरली मसल्स जो है सिलियरली मसल्स हमारे आईज के लेंस को होल्ड करके रहता है. आप अपने आंखों के नीचे ये जो वेन्स देख रहे हो ना यहां पे जो वेन्स होती है वो क्या करती है आईज के लेंस मतलब आईज के अंदर हमारे लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस तो उसको होल्ड करके रखती है. अगर वो ढीला हो गया तो आपकी जो इमेज है वो ब्लर्ड हो जाती है. तो इसलिए हमारे आई लेंस को जो होल्ड करके रखता है ये क्या करके रखता है आई लेंस को होल्ड करके रखता है. तो जो आई लेंस को होल्ड करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं सिलियरली मसल्स कहते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट है आपका लेंस. अब तक की जितने भी मेगापिक्सल की आपने कैमरे वगैरह देखा है ना उससे भी लेटेस्ट लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ लेंस भगवान ने गॉड ने हम लोग के आईज में फिट करके रखा है और वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस. क्योंकि
इससे ज्यादा क्लियर विजन, जो फोकल लेंथ होती है ना एक इंफिनिटी होती है, इतना ज्यादा फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग कैपेसिटी किसी भी डिवाइस में नहीं है जितना हमारे आईज के अंदर है, इसलिए इतनी सेंसिटिव मानी जाती है। और हमारे आईज में कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस होती है। नेक्स्ट है आपका वेट्रासूमर। वेट्रासूमर क्या है? देखो, जब भी आप टियर करते हो, रोते हो, तो कुछ लिक्विड्स हमारे आईज से बाहर आती है, वो लिक्विड ना लेंस के बिहाइंड होती है, उसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? वेट्रस ह्यूमर कहते हैं। अभी मैंने एक ऊपर भी लिक्विड बताया था आपको, एक्वस ह्यूमर। ये जो होता है लेंस के पहले होता है, यहां पे जेली लाइक सबस्टेंस। ये कैसा है? जेली लाइक सबस्टेंस है। और ये क्या है? पूरी तरह लिक्विड है। जब आप टियर करते हो तो ये उस फॉर्म में भी आता है कई बार। इसके बाद है आपका रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना वो स्क्रीन है जिसपे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसको भी हम देखते हैं, उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना क्या है? स्क्रीन है जिसपे बनता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? इसके बाद बारी आती है ऑप्टिक नर्व्स की। ऑप्टिक नर्व्स की, तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है? देखो, जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो किसी भी इमेज को जब हम देखते हैं तो उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने कुछ देखा है, और तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे आईज के, और इसको याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक दिया, तो इसको आप फॉलो करके ये सारे आईज के पार्ट को आप याद रख सकते हो। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, क्योंकि यहां पे हमारी विजन होती ही नहीं है। और दो एक दो बात और मैं आपको आईज से रिलेटेड कर दूं। पहली तो इरिस के बारे में। इरिस हमारे आईज के ना कलर को मेंटेन करता है। किसी का आईज आपने देखा होगा ना ब्लू होता है, तो किसी का ब्लैक होता है, तो किसी का ब्राउनिश होता है, तो ये सारे ड्यू टू इरिस होते हैं, क्योंकि हमारे आईज के अंदर कलर को मॉडरेट करने में, कंट्रोल करने में इरिस का फंक्शन होता है। दूसरी, हमारे आईज के अंदर दो छोटी छोटी पार्ट्स होती है, एक होती है रॉड्स और एक होती है कॉन्स। रॉड्स कलर सेंसिटिव है और कॉन्स लाइट की इंटेंसिटी के बारे में सेंसेशन देती है। तो रॉड और कॉन्स भी हमारे आईज में इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। तो ये आपने आईज और आईज के पार्ट्स को याद करने का एक ट्रिक देख लिया, ठीक है। अब देखो, आईज को हम जितना भी अपने केयर करके रखें, कोई ना कोई और किसी ना किसी कारण से कई बार डिफेक्ट्स लग जाती है। तो हमारे आईज के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट, दो मेजर डिफेक्ट्स होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा मायोपिया, और दूसरा हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको हम लोग नियर साइडनेस और फार साइडनेस भी कहते हैं। इसके अलावा दो और डिफेक्ट होता है, एस्टिगमैटिज्म और पर्स बायोपिया। तो वन बाय वन उन डिफेक्ट्स को हम देखते हैं और उसके कॉज और करेक्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो डिफेक्ट होता क्यों है, और अगर हो जाए तो उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज। तो ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहली जो डिफेक्ट है ना वो है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, जिसको भी मायोपिया है या जिसको मायोपिया हो गई है, उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली। समझ में आ गया होगा आपको, नजदीक की वस्तु उसको क्लियरली दिख पाएगी, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। Those persons who are suffering with myopia can see the nearby object clearly, लिख रहे हो ना, but distant object cannot be seen। ये होता है myopia के अंदर। ये हो गई definition। अब cause की बात कर लेते हैं, मतलब myopia होता क्यों है। तो देखो, ये ना हमारी eyeball है, ये हमारे eye के अंदर suppose करो हमने lens बना लिया है, ये light पहले ऐसे आई और ये कन्वर्ज होके सपोज करो ये इमेज हमारी बन गई थी नॉर्मल कंडीशन में। यहां पे नॉर्मल आई है, लेकिन जैसे ही हमारे आई को मायोपिया हो जाती है तो फिर हमारी आई बॉल हो जाती है बड़ी। पहला कॉज आपको याद हो गया होगा, आई बॉल
आई बॉल आपकी हो गई इंक्रीज, और दूसरा कॉज जब आई बॉल इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी डिक्रीज, फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी डिक्रीज, क्लियर। तो अब देखो क्या होगा, ये हमारे आईज के अंदर लेंस है, ये पैरेलल लाइट आई और ये आपकी कन्वर्ज होकर के रेटिना से पहले ही, मतलब मायोपिया के अंदर नियर साइटनेस के अंदर रेटिना से नियर, रेटिना से पहले ही हमारी इमेज बन जाती है, इसलिए हमें मायोपिया हो जाता है। और इसका कॉज हो गया आपका आई बॉल इंक्रीज और फोकल लेंथ के डिक्रीज होने के कारण। अगर आप चाहते हो इसका करेक्शन, तो इसका करेक्शन है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस अगर आप यूज करते हो तो आपकी आई हो जाएगी करेक्टेड। तो मैं करेक्टेड आई बना दूं आपके लिए, ये है आपने लेंस लिया, ये आपकी आपने अपने स्पेक्स के अंदर ग्लास के अंदर कॉनकेव लेंस लगा दिया। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगी, पहले लाइट बीम को थोड़ा डाइवर्ज करेगी कॉर्नर तक, और उसके बाद ये पूरी तरह इसको कन्वर्ज कर देगी, जिसके कारण फिर से रेटिना पे हमारा इमेज बन जाता है। तो करेक्शन में क्या हुआ, कॉनकेव लेंस हमने यूज किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मायोपिया के अंदर आई लेंस से पहले ना, आई बॉल के बड़े होने के कारण रेटिना से पहले दोनों लाइट मीट कर जाती है, इसलिए इमेज रेटिना से पहले बन जाता है और हमें फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्शन में आपने समझ लिया कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ये नॉर्मल आई है, ये मायोपिक आई है या डिफेक्टेड आई बोल सकते हो इसको, और ये है आपका करेक्टेड आई, इस तरह से आपने मायोपिया को करेक्ट किया, क्लियर है। अब आपको जानना है सेकेंड आई की डिजीज, और वो होती है आपकी हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हो। तो अब हम लोग देखते हैं फार साइटेडनेस को, आई की जो सेकेंड डिफेक्ट है वो है आपकी हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं पहले ही, आईज के डिफेक्ट को याद करने का, आपको ना जो डिफेक्ट होगा वो आपको सीन होगा क्लियरली और उसके अपोजिट वाला सीन नहीं होगा। जैसे मायोपिया में नियर साइडनेस था तो नियर बाई ऑब्जेक्ट आपने क्लियरली सीन किया और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आप नहीं सीन कर पा रहे थे। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सीन कर पाओगे क्लियरली, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट आप नहीं देख पाओगे, क्लियर। सो हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। अब बात करते हैं इसकी कॉज की, ये क्यों होता है। तो पहला इसका कॉज है ना कि ये आपकी नॉर्मल आई थी, सपोज करो ये आपकी है नॉर्मल आई, ये आपकी नॉर्मल आई, क्लियर, ये रेटिना पे बनी। बट जब आपको फार साइटनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उसके बाद आपकी आई बॉल ना छोटी हो जाती है, आई बॉल हो गई छोटी। तो जब आई बॉल आपकी छोटी हो गई तो आई बॉल के छोटे होने के कारण आपकी जो लाइट रेज है वो ना रेटिना के बाहर जाके, आई बॉल के बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो गई डिफेक्टेड आई, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपने स्पेक्स के अंदर अपने ग्लास के अंदर यूज करना होगा कॉन्वेक्स लेंस को। ये देखो करेक्टेड आई है, ये हमने क्या किया अपने आईज के अंदर स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस मैंने यूज कर लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता ना कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो लाइट को पूरी तरह कन्वर्ज करके और फिर से रेटिना पे इमेज बनाई बना देगा। तो ये हो गया आपका करेक्टेड आई। तो ये आपको याद हो गया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आपको क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीन होता है बट नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं सीन हो पाता है। दूसरी इसकी कॉज जो होती है ना आई बॉल का शॉर्टमेंट, क्या होता है आई बॉल
आपकी जो आई बॉल है वो हो गई शॉर्ट, और दूसरा जब आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा तो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी इंक्रीज, तो इस कारण से आपको लग जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को समझ लेने के बाद देखो यही दो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। आपको नॉलेज के लिए पर्स बायोपिया भी जान लेना चाहिए। पर्स बायोपिया एक ऐसी डिफेक्ट है ह्यूमन आई के अंदर जिसमें न तो आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीन हो पाता है क्लियरली और न ही नियर बाई ऑब्जेक्ट सीन हो पाता है क्लियरली, यानी नाइदर यू कैन सी द डिस्टेंट वन और नॉर यू कैन सी द नियर बाई, आपको दोनों को दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफिकल्टीज आती है। तो जब ऐसा होने लगे तो आप समझो कि आपको हो गई है पर्स बायोपिया, और पर्स बायोपिया को करेक्ट करने के लिए बाइफोकल लेंथ, याद रखना ये कई बार पूछा गया है, पर्स बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंथ हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? इस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली ह्यूमन आई की और ह्यूमन आई में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स और उसके करेक्शन की। तो अगर आप अपने एग्जाम के अंदर ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स से पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर और कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीइंग फिजिक्स।